नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी, दिनांक 21 मे 2023 रोजी सकाळी जिंतूरवरील ईदगान मैदान येथे ग्रास रूट फुटबॉल डे उत्साहात साजरा। ग्रास रूट फुटबॉल डे ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमीच्या वतीने साजरा करण्यात आला। परभणी शहरातील जिंतूर रोडवरील ईदगाह मैदानावर ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमीच्या वतीने दिनांक 21 मे 2023 रोजी सकाळी 7 वाजता ग्रास रूट फुटबॉल मॅचेस शिबिराचे आयोजन ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमीचे सचिव सय्यद शकील यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आले होते। या फुटबॉल ग्रास रूट फुटबॉल डेचे उद्घाटन क्रीडा शिक्षक कैलास माने सर यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी U16 ते U19 व सिनियर गट फुटबॉल मॅचेस प्रशिक्षण घेण्यात आले। यावेळी सर्व फुटबॉल खेळाडू उपस्थित होते। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। आज ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी जो है तो ग्रास रूट फुटबॉल डे मना रही है और यहाँ पर हमने U16 से लेके U12 उसके बाद यूथ उसके बाद सीनियर उसके बाद जो तो वेटरन्स के ऐसे अलग अलग टाइप में हमने मैचेस रखे। उनका एक फुटबॉल क्लिनिक रखा, उनका फुटबॉल वर्कशॉप रखा। हम 3-4 कैटेगरी में हम लोग जो है तो फुटबॉल डेवलपमेंट करने के लिए जो काम कर रहे हैं, ग्रास रूट का डे मना रहे हैं। तो जितने भी प्लेयर आए यहाँ पर 6 साल से लेके तो 45 साल तक, उसमें कम से कम नहीं 70 से 80 प्लेयर हमारे पास आज यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है। सभी प्लेयर अच्छे अच्छे अपने अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो जूनियर बच्चे हैं। और हमारे जो गेस्ट है अली जनाब कैलाश माने सर, जो एक फिजिकल टीचर है और कई एसोसिएशन जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, उनका अच्छा नाम है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी का जितने भी यहाँ पे ग्राउंड पे मेरे सीनियर खिलाड़ी, मेरे सीनियर LCP से मेरे दिलावर, मेरे दोस्त दिलावर खान और मेरे सीनियर खिलाड़ी जो मौजूद हैं आप मेरे साथ जो आए हुए हैं, मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी प्लेयर का जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले टाइम के अंदर परभणी जो परभणी के प्लेयर परभणी टीम से स्टेट लेवल अच्छा स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस करे, महाराष्ट्र टीम के लिए महाराष्ट्र में अच्छा नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करे और इंडिया की टीम के लिए रिप्रेजेंट करे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। और हम यही मोटो लेके ग्लोबल स्पोर्ट्स अकेडमी फुटबॉल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। फुटबॉल डे के लिए हमें सभी परभणी जिले के जो फिजिकल टीचर्स हैं और जो ही एसोसिएशन के लोग हैं उनके तरफ से आज के ये ग्रास रूट फुटबॉल डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शकील सर से ये विनती करूंगा, शकील सर यहाँ मत रुको, हो सके तो आखिरी जून के फर्स्ट वीक में अगर आप मराठवाड़ा लेवल का एखादा टूर्नामेंट हो सके तो वो करो। खाने की व्यवस्था शारीरिक शिक्षक संगठन करेंगी तो थैंक यू सर। आगे भी बच्चे जाना चाहिए और अगर अगर बहुत अच्छा हो सके तो इंटरनेशनल लेवल पे इनविटेशन मैचेस होते हैं, तो वो इनविटेशन मैचेस के लिए आप रिक्वेस्ट भेजो ऑनलाइन
और इनके पेरेंट्स जो है इनको भी तैयार करो, और हो सकता है ये बच्चे बाहर जाके ब्राजील हो, जो भी बाहर के कंट्री में कतार में मैचेस होते हैं, ये अगर बाहर जाके मैचेस खेलेंगे तो इनका हौसला अफजाई हो जाएगा। तो मेरे को यही बोलना है कि आप आगे बढ़ते रहो, हम पूरे तहे दिल से परवनी के सब निवासी खिलाड़ी हो या ऑफिस हो सब आपके पीछे है, यही शुभकामना। बरोबर हे बातमीपत्र संपलं, पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।